70 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री मौसमी चटर्जी की बेटी पायल डिकी सिन्हा का बीते दिनों लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 2 साल से टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रही पायल 2018 से कोमा में थी। अब इन सबके बीच में पायल डिकी सिन्हा के निधन के बाद मौसमी चटर्जी के पारिवारिक झमेलों से जुड़ी कई खबरें सामने आईं और इन्हीं के बीच में चटर्जी फैमिली के नजदीकियों की ओर से एक हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। नजदीकियों से मिली जानकारी के अनुसार मौसमी चटर्जी और उनके पति जयंत मुखर्जी ने बेटी पायल के निधन के लिए दामाद डिकी सिन्हा को जिम्मेदार माना है। उनका कहना है कि डिकी सिन्हा ने ये साजिश की और डिकी की साजिश की वजह से उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। बता दें आपको, मौसमी चटर्जी ने सितंबर 2019 में मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई थी और इस एफआईआर में मौसमी चटर्जी ने आशंका जताई थी कि उनकी बेटी पायल को लेकर दामाद डिकी सोची समझी प्लानिंग कर रहा है। इस एफआईआर में मौसमी चटर्जी ने अपने दामाद डिकी सिन्हा पर यह आरोप भी लगाया था कि डिकी ने धोखे से पायल से शादी की। अब इन सबके बीच में मौसमी चटर्जी की एफआईआर की कॉपी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो तमाम तरह के सवाल खड़े करती है। हालांकि आपको बता दें, नेक्स्ट 9 न्यूज इस तरह की खबरों की पुष्टि नहीं करता। ये खबर जिस तरह से सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। जब बात खुली है तो एक अहम जानकारी आपको दे देते हैं। पायल डिकी सिन्हा के निधन के बाद मौसमी चटर्जी का एक इंटरव्यू सामने नहीं आया, लेकिन मौसमी चटर्जी के दामाद डिकी सिन्हा मीडिया के सामने आए थे और मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने मौसमी चटर्जी पर बेटी पायल को अंतिम वक्त तक नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। देखना होगा अब ये कॉन्ट्रोवर्सी किस मोड़ पर जाती है और कितने बड़े राज इस निधन पर खुलते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।